हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने हाथ से लिखे हुए नोट की इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में और प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ से वन नोट को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। आपका वन नोट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अपने नोट की इमेज को इंसर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट कराने का दो तरीका है, एक पिक्चर पे जाके इंसर्ट करा सकते हैं और दूसरा स्क्रीन क्लिपिंग के द्वारा। हम इन दोनों में किसी भी तरीके से अपने टेक्स्ट को यहाँ पे इंटर करा सकते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग का यूज उस समय किया जाता है जब आप अपने नोट के किसी स्पेशल पार्ट को, किसी एक पार्ट को एडिट करने के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आप अपने इमेज को पहले ओपन कर लेंगे और वन नोट पे जाएंगे फिर से, और इंसर्ट पे क्लिक करके स्क्रीन क्लिपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपको जितना एडिट करने के लिए सिलेक्ट करना है उतना सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ से इतना सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपका सिलेक्ट हो चुका है। अब इस पर राइट क्लिक करके कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर पे क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और कीप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ चुका है। आप इस पे कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम इसे कॉपी कर लेंगे, सभी को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और वर्ड में जाकर इसे पेस्ट कर लेंगे। आप यहाँ से इसके फॉन्ट को, इसके साइज को, जैसा चाहे बड़ा कर सकते हैं, जैसा फॉन्ट इसका करना चाहे वैसा कर सकते हैं। आप अपनी मन मर्जी से इसे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ताकि जब भी ज़रूरत हो उस टाइम इसका हम यूज कर सकें। सेव कर देते हैं। फिर से हम एक न्यू सेक्शन इंसर्ट करा लेते हैं और फिर से इंसर्ट पे जाएंगे और इस पर पिक्चर के द्वारा हम इंसर्ट कराएंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ मैंने फाइल को रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक इंसर्ट कर लेंगे। आपका नोट यहाँ पे आ चुका है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में इधर क्लिक करेंगे और कीप टेक्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हुआ वन नोट में अपने इमेज को लाने का दूसरा तरीका। यहाँ से भी इसे कॉपी कर सकते हैं, इसे कॉपी कर लेंगे और वर्ड में जाकर इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसे सेव कर देंगे। अब आप अपनी मर्जी के अनुसार इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कंप्यूटर में गूगल ड्राइव को ओपन कर। अगर आपने अभी तक गूगल ड्राइव का अकाउंट नहीं बनाया है तो अपने जीमेल के आईडी से गूगल ड्राइव में क्रिएट ए न्यू अकाउंट में क्लिक करके उसमें ईमेल आईडी और अपना डिटेल्स डालकर एक नया गूगल ड्राइव अकाउंट बना लें। और बनाने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो ओपन करने पर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और फाइल अपलोड
और यहाँ से आप जो भी फाइल लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें और ओपन कर दें। ओपन करेंगे तो आपका फाइल इस इधर अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद आपका फाइल इधर यहाँ आ चुका है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ गूगल डॉक। इसे ओपन होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपके टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में लगेगा। यहाँ आपका नोट एडिटेबल टेक्स्ट के फॉर्म में आ चुका है, इस पर राइट क्लिक करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं, जो करना है इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम इसे फिर से यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी आप इसे सेव करके रखना चाहते हैं इसे सेव कर लेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।